फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपको मोडेम के बारे में बताने वाला हूं जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मींस कि हम डिफरेंट किस्म के नेट के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। तो कभी ये सोचा है कि ये जो मोडेम है ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, इसका मतलब क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, कभी ये सोचा है आपने? तो आज हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे कि ये मोडेम क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये कैसे वर्क करती है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, आपसे वेट नहीं करवाता और शुरू करते हैं, देखते हैं कि मोडेम क्या है और इसके अंदर टाइप्स कितनी होती हैं। मोडेम का मतलब है दो वर्ड्स की कम्बिनेशन आएगी, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेटर्स और डी मॉड्यूलेटर मतलब ये है कि कन्वर्टिंग मीन्स के ट्रांसलेटिंग, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना मीन्स के एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। एनालॉग फॉर्म क्या होती है? जो हमें वायरलेस नेटवर्क मिल रहा होता है मीन्स के वेव्स के अंदर जो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही होती है। जैसे कि सिंपल आपके पास कोई भी आपके वायर के साथ नेट है, या आपके पास एयरटेल का नेट है, या आपके पास PTCL का नेट है, या आपके पास किसी भी डिवाइस का नेट आ रहा है वायर के जरिए, और आपके पास एक मॉडेम जो आपको एनालॉग भी प्रोवाइड करती है और डिजिटल भी प्रोवाइड करती है, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है। अब डिजिटल कौन सी किस्म होती है? जब हम उसको एथरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो उसको वो डिजिटल 0 और 1 की फॉर्म में डेटा देना स्टार्ट कर देती है। मीन्स के आपके पास 0 और 1 के अंदर उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो जाता है। हमारा चाहे PC है, हमारा चाहे लैपटॉप है, चाहे हमारा कंप्यूटर्स है, जो भी है हमारा, जब हम उसको वायर के साथ कनेक्ट करते हैं मोडेम को। अब बात यह है कि आपके पास ये कैसे दे रही होती है उसको नेटवर्क वायर के जरिए, क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनल भी एक मोडेम लगी हुई होती है। इंटरनल मोडेम को निक मोडेम भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब दो किस्म की मोडेम होती है हमारे पास, एक इंटरनल मोडेम होती है, एक एक्सटर्नल मोडेम होती है। इंटरनल मोडेम वो मोडेम होती है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, जो हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, जो हमारे आईपैड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पुराने कंप्यूटर्स थे जैसे कि पेंटियम 4 हो गया या पेंटियम 3 हो गया या पेंटियम 2 हो गया, तो उनके अंदर हम चेंजिंग करते थे, डिफरेंट किस्म के कार्ड लगा देते थे और हमारे पास इंटरनल मोडेम चेंज हो जाती थी जैसे ही ख़राब होती थी। लेकिन आपके पास लेटेस्ट जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं ये परमानेंटली मदरबोर्ड पे इनको फिक्स कर दिया है, आपकी इंटरनल मोडेम को, जिसको हम निक इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ये एक इंटरनल मोडेम है। एक्सटर्नल मोडेम वो होती है जैसे कि आप जोन की वायरलेस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप टेलीनार की वायरलेस यूज़ कर रहे हो मोडेम, या आप किसी भी एयरटेल की वायरलेस यूज़ कर रहे हो मोडेम। तो ये जो आपके पास एक्सटर्नल से जो बाहर आपको एक नज़र आती है, जो आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती है, वो एक्सटर्नल मोडेम है। और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की कन्वर्जन कर रही होती है, वो कन्वर्ट कर रही होती है मींस के डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है। तो वो मोडेम अलग से वर्क करती है, वही मोडेम आपके कंप्यूटर्स के अंदर या आपके स्मार्टफोन्स के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर से एक नेटवर्क देती है। और किस मोडेम से? आपके मोबाइल के अंदर जो इंटरनल मोडेम लगी हुई है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, और जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनल मोडेम लगी हुई है, जो आपके लैपटॉप के अंदर इंटरनल मोडेम लगी हुई है। सिंपल, जैसे कि आपके पास वायरलेस वाईफाई लगा हुआ है। अब वाईफाई क्या है आपके पास? के इंटरनल मोडेम है जो आपके लैपटॉप के अंदर लगी हुई होती है, वो सिग्नल कैच करती है एक दूसरी मोडेम से और उसके साथ वो कनेक्टिविटी दे देती है। मीन्स कि आप डिफरेंट किस्म की नेटवर्क को इस्तेमाल कर रही होती हो। इसी तरह आपके पास डिफरेंट किस्म की कंपनीज आपको डिफरेंट किस्म के मोडेम्स प्रोवाइड कर रही होती हैं डिफरेंट किस्म के पैकेजेस के साथ, और आप उनको यूज़ कर रहे होते हो अपने स्मार्टफोन्स के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर्स के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो नए हैं देखने वाले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जितने भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।